यही ख्वाब था ना तुम्हारा। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या हुआ तुमको आज? क्या हुआ? मुझे क्या होगा, गुमसुम सी हूँ। तुमने तो पता नहीं क्या प्लान्स बनाए थे, कॉलेज के फर्स्ट डे ये करेंगे वो करेंगे। हाँ बनाए थे छे। तो बताओ सही से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यार, बचपन से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मूड खराब हो मुझे पता ना चले। बताओ मुझे। इतनी कोई खास बात नहीं है, बस घर से निकलते वक्त मेरा मूड ऑफ हो गया। दो दिन हुए तुम्हें ताया के घर आए, कौन है वहां जिससे तुम्हारा मूड ऑफ कर दिया? पता नहीं यार, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि इनके घर में कोई सीरियस मसला ही चल रहा है। तो उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? ताल्लुक ना होते हुए भी उसने ताल्लुक बना दिया। किससे? मेरे ताया का बेटा है ना आसिफ। ताया का बेटा तो आमिर नहीं था, चंगला में होता था। ये बड़ा बेटा है, ये यही होता है। रात को जिस तरह से वो आया था ना, उद्धम मचाते हुए, और तुम्हें पता है उसने सुबह मुझसे क्या कहा? क्या? मुझसे कहता है कि मैंने उसका हक मारा है। क्या तुमने उसका कौन सा हक मारा है? पता नहीं, मुझे लगता है ताया वो जो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं ना उस वजह से। तो उससे उसको क्या मतलब? आ गई होगी कोई रुकावट उसके काम में। अजीब, मैं बताती हूँ, खुद पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा ना तो तुम पे इल्जाम डालना। और तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें कब से फर्क पड़ने लग गया लोगों की बातों से, जो सोच सोच के अपना पूरा दिन जाया कर रही है? यार मैं तो खुद ये सोच रही हूँ कि मैं इतना सोच क्यों रही हूँ, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। हैंडसम है क्या? बस हो गई तुम्हारी छिछोरी बातें शुरू। मैंने शुरू की है? तुमने जिक्र शुरू किया था। अच्छा सब छोड़ो भी ये बातें। हाँ वैसे छोड़ो, बहुत भूख लग रही है। क्या करें लंच का? कैफेटेरिया चलो। हाँ चलो।